औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के थाना सेक्टर 3 के अंतर्गत एक नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छेड़छाड़ के आरोपी तोशिप उर्फ राजा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला यूं है कि पीथमपुर के सेक्टर 3 के ग्राम मंडला उदा के रहने वाले तोशिप उर्फ राजा 20 वर्ष दुकान चलाता है। नाबालिग पीड़ित युवती किराने का सामान लेने दुकान पर गई थी, उसी दौरान तोशिप उर्फ राजा ने मौका देखकर शटर बंद कर लिया और युवती का हाथ पकड़ लिया। युवती चिल्लाने लगी, तभी आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को सूचना दे दी गई। मामले की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंच गया। फरियादी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छेड़छाड़ के आरोपी तोशिप उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने IPC की धारा 354 एवं पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में भेज दिया है। मामला धर्म विशेष के व्यक्ति से जुड़े होने के कारण क्षेत्र का माहौल गर्माया रहा। थाना प्रभारी पाटीदार की सतर्कता से पूरा मामला शांतिपूर्वक तरीके से निपटा लिया गया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। 54 का मुकदमा कायम हुआ छेड़छाड़ का, क्या था सर पूरा मामला? हमें सूचना मिली कि विजयनगर जो है वहाँ पर एक दुकान में शटर डाउन है और कुछ लोग वहाँ संदिग्ध अवस्था में हो सकते हैं। इस संबंध में उस घटना स्थल की हमने तस्दीक की, मोहल्ले वाले भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे और उस घटना स्थल की हमने तस्दीक की। तब हमको ज्ञात हुआ कि एक नाबालिग लड़की व एक लड़का उसके अंदर है। उन दोनों को राउंड अप करके, विधिवत राउंड अप करके हमने पूछताछ की तो लड़की ने अपने दोस्त जो इस पर वो भरोसा करती थी और उससे उसकी दोस्ती भी थी, उसके खिलाफ उसने शिकायत की कि चूंकि मैं यहाँ पे ख़रीदारी करने आई थी और संबंधित लड़का है जिसका नाम तोशीद है, उसने मेरे साथ छेड़खानी की और इस तरीके से शटर बंद किया है ना। और जिस पर से फरियादिया की तरफ से हमने FIR दर्ज करी है और संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आपका नाम? TI पीथमपुर, समीर पाटिल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।